से केंद्र ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन किया है, उसको लेकर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का फैसला भी सामने आया है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इसके साथ साथ कुछ प्रमाण भी ऐसे होने चाहिए जिसके आधार पर ये बताया जाए कि आखिर किन आधार पर इस संगठन को बैन किया गया है। इसी को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा ने। टेरर फंडिंग और आतंकी गतिविधियों में जुड़े रहने की तमाम जो खबरें थी वो पीएफआई को लेकर सामने निकल कर आई थी, जिसके बाद एक्शन हुआ है और 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद जी हमारे साथ मौजूद, इसलिए बात करते हैं। अब पीएफआई को बैन किया गया है 5 साल के लिए, हालांकि इससे पहले भी आपने एक स्टेटमेंट दिया था और आपने भी कहा था कि ऐसे संगठन को बैन लगा देना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और 6 महीने पहले ये बात कही थी, अगर ये काश पहले होता तो बहुत अच्छा होता, देर करी उसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। दूसरा, सरकार को थोड़ा खुलासा भी करना चाहिए कि इनके ऊपर आरोप क्या हैं, कम से कम जनता इनको जाने तो कि इनकी गलत एक्टिविटी क्या थी। एक फाइनेंशियल ट्रेंडिंग का जो आरोप आया है ये तो एक बुनियादी बात है कि उनके पास पैसा आया, तो वो जो आया तो उसका खुलासा भी थोड़ा होना चाहिए जिससे कम से कम जनता में जो भ्रम पैदा हो रहा है वो ना हो। लेकिन ये भी बताया जा रहा है भाई कि कई ऐसी साहित्य थे जो यहाँ से पाए गए थे, जो युवाओं को कहीं ना कहीं उनका जो ब्रेन है उसको वॉश करने का प्रयास काम भी किया जाता। नहीं नहीं देखिए, अभी जिस इसका जिक्र कर रहे हैं उसका कोई पर्याप्त सबूत या कोई इस तरह की बात नहीं आई है, या अधिकृत रूप से अभी कोई सरकार का यह बयान नहीं आया कि हमने किस आधारों के ऊपर इसको बैन करा है, तो जब तक वो ना आ जाए उससे पहले ये बोलना उचित नहीं होगा। ये भी हमेशा बात निकल कर आती है कि जब भी इस प्रकार की गतिविधियाँ होती है मालवा क्षेत्र में, हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो सबसे ज़्यादा गतिविधियाँ वहाँ पाई जाती हैं। इस वाले मामले को भी देखें तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो आतंकियों की जो पनाहगाह का जो एक बड़ा इलाका है मालवा क्षेत्र बन जाता है। क्या होता है कि देखिए, जब बार बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दमन करती है तो उस दमन के एक असरात होते हैं, तो ऐसे संगठनों को मौका मिल जाता है वहाँ पर भड़काने का, यही मैं समझ सकता हूँ। लेकिन हमारा काम है कि सबको अवेयर करें कि देश को बचाना, देश के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी निकल कर आया कि पीएफआई ने जो दिहाड़ी मजदूर थे उन्हें भी लीडर बनाया था और जिनकी घर घर तक पहुँच है उन तक सबसे ज़्यादा ये जो मैसेज आ रहा है तमाम चीज़ें करते थे। मध्य प्रदेश में तो कोई ऐसा संगठन अभी इनका इतना बड़ा रूप लिया नहीं था, कुछ जगहों पर इनका थोड़ा बहुत संगठन ने काम शुरू किया था, तो हमारे पास ऐसा कोई अभी सूचना इस तरह की नहीं आई। आपका क्या कहना है कि ये जो अभी कार्रवाई की गई है 5 साल के बैन की, ये सही है या नहीं? मैं तो 6 महीने से कह रहा हूँ कि बैन करो, अगर जो मैं कह रहा हूँ तो मेरी एक बात तो मान ली कि बैन कर लिया, लेकिन मैंने कहा कि थोड़ा प्रमाण भी दे दो तो और अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब जो सबूत है वो मांगे जा रहे हैं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की तरफ से। उनका साफ तौर पे कहना है कि बैन करने को लेकर वो पहले ही 6 महीने कह चुके हैं कि इनको पहले ही बैन कर देना चाहिए था, लेकिन किन आरोपों के तहत बैन किया गया है उसके प्रमाण भी कहीं ना कहीं अब सरकार को जनता के सामने रखना चाहिए। विजिलेंस प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।